हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2023 में रमा एकादशी या रंभा एकादशी तिथि कब है, एकादशी की तिथि क्या रहेगी, व्रत की विधि क्या होगी और पारण का सही समय क्या होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने और व्रत करने का विधान है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। सभी एकादशी तिथियों में रमा एकादशी का महत्व कई गुना ज्यादा बताया गया है। रमा एकादशी अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त करता है। रमा एकादशी के दिन व्रती को स्नान आदि से निवृत्त होकर हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। लकड़ी की एक साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं और आरती करें। उसके बाद रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़े व सुने। तो आइए अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर आदर पूर्वक विदा करें, शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं रमा एकादशी की शुभ तिथि। साल 2023 में रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण रहेगा 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 6:39 से 8:50 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति होने का समय रहेगा 12:35 पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करते। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंभू।